जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी सुर में रहकर सच कहने की आदत है। तो चलिए बिट्टा फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं, इसी स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। और बिट्टा फंक्शन का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में या इंजीनियरिंग के एग्जाम में या अनेक जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अनेक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, तो देखते हैं इसका मेन प्रॉपर्टीज का कंडीशन क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिएगा लिखा हुआ है कि समरी ऑफ बिट्टा फंक्शन, पहला प्रॉपर्टी में लिखा है टू प्रूव दैट बिट्टा एम कॉमा एन इक्वल्स टू बिट्टा एन कॉमा एम, जो सामने दिख रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी में दिया है क्या कि बिट्टा एम कॉमा एन इक्वल्स टू बिट्टा एन कॉमा एन। देखिए इसके पहले जो भी मैंने टर्म बताया था ये बिट्टा फंक्शन और गामा फंक्शन का कुछ डिफिनेशन और उसका फॉर्म, अब हम बिट्टा फंक्शन का थोड़ा एक्सप्लेन करके प्रॉपर्टीज के रूप में बताएंगे और कुछ क्वेश्चन भी बेहतरीन बेहतरीन बताएंगे ताकि क्वेश्चन को समझकर इस पूरा थ्योरी को अनुमान लगा सके कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, जो भी इंटीग्रेशन जो आएगा उसको शॉर्ट रूप में बिना इंटीग्रेट किए हुए कैसे बिट्टा फंक्शन को यूज करके वो सोल्व करेंगे उसके बारे में। तो चला चलते हैं इस बिट्टा फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, जरा देखिएगा। चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं कैसे, जरा देखिएगा द स्टेप बाय स्टेप। अगर ये थ्योरी समझ में आया, अगर ये अच्छा लग रहा है तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, बिनो डाइट, और ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बिनो डाइट। बिट्टा एम कॉमा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स के पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। देखिए कैसे इसको सोल्व करेगी इसके बारे में हम जानते हैं, तो सबसे पहले इसको में हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू वन माइनस वाई, यानी इसको x बराबर मान लेते हैं वन माइनस वाई का फॉर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, x का डीसी डी एक्स और वन का जीरो और माइनस डी वाई, क्लियर है। अब जो डिफ्रेंशिएट किया है इस फॉर्म को अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लिमिट भी y के फॉर्म में ही करना होगा। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, पुट अगर हम x का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, देन अगर x का वैल्यू जीरो पुट किया तो y का वैल्यू आ जाएगा मेरा वन आ जाएगा, क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगर x का वैल्यू हम वन पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर वन पुट करते हैं, देखिएगा x को यहां वन पुट किया है तो वन और y का वैल्यू मेरा क्या जाएगा जीरो आ जाएगा, सामने दिख रहा है, क्लियर। जब x का वैल्यू पुट किया जीरो तो मेरा जीरो पुट करने पर वन आया है, और x को अगर वन पुट किया है तो y का वैल्यू क्या गया जीरो आ गया, सामने इस तरह से मैंने किया है। अब इस फॉर्म को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इस रूप में जरा देखना है, बिट्टा बिट्टा एम कॉमा एन, क्लियर है। अब इस टर्म के लिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जहां वन है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देना है और जहां जीरो है वहां वन में, और एक्स का जो फॉर्म है वो वन माइनस वाई लिखेंगे, वन माइनस वाई और एम माइनस वन, और इसके बाद जरा देखिए वन और एक्स का जो टर्म है वन माइनस वाई, क्लियर है। ये वन तो मैंने लिख दिया है, माइनस लिख दिया है, और x का फॉर्म 1 माइनस वाई के फॉर्म में, और n माइनस वन, और जहां dx है dx का टर्म माइनस डी वाई के फॉर्म में, यानी जो टर्म दिख रहा है टोटल y के फॉर्म में आ गया। अब इसका जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 टू 0 1 माइनस वाई के पावर में m माइनस वन, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, जब 1 1 कैंसिल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y, और y के पावर क्या लिखेगा n माइनस वन और माइनस डी वाई, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, इस फॉर्म को लिखेंगे माइनस वन और यहां पे क्या है जीरो है, क्लियर। एक मिनट यहां पे कट रहा है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं इसका फॉर्म को, ये साइड में लिख देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करेंगे जरा देखिएगा, चलिए इसको यहां पे नहीं लिख करके यहां लिख दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा इस फॉर्म के देखते हैं इसका क्या है मेन कंडीशन। तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं, माइनस को बाहर करते हैं, माइनस
और वन है और यहां जीरो है, वाई के पावर एन माइनस वन इंटू वन माइनस वाई के पावर एम माइनस वन डी वाई। और कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी का यूज करना है ताकि जो है ना यूज करते हुए मेरा टर्म को क्लियर कर देना है। तो अगर हम प्रॉपर्टी में यूज करते हैं कि जब भी अगर लिमिट हम चेंज करते हैं तो साइन यहाँ पे चेंजिंग होता है, लोअर लिमिट को अपर में, अपर को लोअर में, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यानी इसको ऊपर में कर दे रहे हैं और ऊपर लोग क्या कर दे नीचे में, तो वाई के पावर एन माइनस वन और वन माइनस वाई और एम माइनस वन डी वाई। क्लियर है यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, पूरा परफेक्ट है, जरा बताइएगा। चलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है। चलिए इसी तरह से हम इसको और भी आगे टर्म को सेट करते हैं। देखिए कैसे हम रिप्लेस करते हैं, जहां मेरा बाई है उसको हम एक्स के रिप्लेस में करते हैं। देखिएगा रिप्लेसिंग वाई वाई टू एक्स, यानी बाई को रिप्लेस कर देना है एक्स के फॉर्म में। कैसे रिप्लेस करें जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू वन है, जहां वाई है वहां एक्स कर दिया। देखिएगा एक्स एन माइनस वन और वन माइनस वाई एम माइनस वन, यहां वाई नहीं, यहां एक्स, यहां वाई है वहां क्या कर देंगे एक्स, और यहां भी क्या है डी एक्स। तो ये फॉर्म, इससे अनुमान चलता है कि जो फॉर्म मेरा क्या था, यहां एक्स यहां एक्स इसी फॉर्म में है, यहां एम और यहां एन, तो एम और एन के लिए बीटा एम एन हो गया, जब एन रहेगा और एन रहेगा। देखिएगा बीटा लिख सकते हैं एन कॉमा एम, यानी ये प्रॉपर्टी ये बताता है क्या, हेयर जब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, बीटा मैंने क्या क्या था कि एम कॉमा एन जो क्या बिट्टा एन कॉमा एन के बराबर हो गया। क्लियर, ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सामने दिख रहा है ये मैंने प्रूफ किया। इसको हम एक एग्जांपल से भी टर्म को हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं कि अगर मान लिया कोई बिट्टा फंक्शन है यहाँ पे 6.4, अगर कोई बिट्टा फंक्शन है 6.4 तो उसको हम लिख सकते हैं बिट्टा 4.6, यानी जब जो 6.4 का वैल्यू है वही 4.6 बीटा 4.6 का भी वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम बीटा फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सामने है प्रूफ वो सामने दिख रहा है। इसका हम और भी एग्जांपल दे दे के क्लियर करेंगे। क्लियर, इसको नोट किया जाए। चलिए तो अब जो है इसका हम सेकेंड प्रॉपर्टी बताते हैं, इसको जरा नोट कर लिया जाए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करें। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। चलिए देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या बताया है कि प्रूव दैट बीटा एम कॉमा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफिनिट एक्स के पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स। इसको पहले हम प्रूफ करते हैं कि इस बीटा फंक्शन को इस तरह से, जब इस तरह से रहे इंटीग्रेशन तो हम लिख सकते हैं बीटा एम कॉमा एन। क्लियर, इस पर जरा देखते हैं प्रूफ के साथ। देखिए प्रूफ, लेट एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसका हो जाएगा डीएक्स और इसका डिफरेंशिएट यू बाई वी के फॉर्म में, यू बाई वी के फॉर्म में करेंगे तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्म हम लिख दे रहे हैं वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया डी वाई जो सामने दिख रहा है, ये पोजिशन। क्लियर है। अच्छा, इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा यूज कर दे रहे हैं क्या कि इस फॉर्म में और दोनों तरफ हम वन एड कर दे रहे हैं, इसका फॉर्म यहां पे, अब दोनों तरफ हम इसमें क्या कर रहे हैं वन एड कर रहे हैं, तो कुछ हम टर्म अपनाना चाह रहे हैं। क्लियर, क्या टर्म अपनाना चाह रहे हैं जरा देखिएगा कि इस फॉर्म को हम डायरेक्ट कभी कभी यूज हो सके तो कर सके। ठीक है, वन माइनस वाई प्लस वाई, तो ये वाई और वाई कैंसिल होगा वन अपॉन वन माइनस वाई, जहां वन प्लस एक्स लिखा रहेगा वहां लिख सकते हो वन अपॉन वन माइनस वाई। क्लियर है। अच्छा, अब रिस्पेक्ट अगर हम बाई का फॉर्म में करेंगे तो उसका डिग्री भी बाई का फॉर्म में करना होगा। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, डिग्री का टर्म पुट, पुट अगर एक्स का वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं देन एक्स को अगर जीरो पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। क्लियर, अगर एक्स का वैल्यू हम इनफाइनाइट पुट करते हैं
x का टर्म अगर इनफिनाइट पुट किया तो देखिएगा इनफिनाइट अगर पुट किए ही तो y अपॉन वन माइनस वाई, क्लियर है, और इनफिनाइट का टर्म वन बाई जीरो जिस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वन माइनस वाई हो गया जीरो, देन वाई इक्वल टू क्या देगा वन, क्लियर, जीरो के लिए बाई जीरो आ जाएगा और इनफिनाइट के लिए वन आ जाएगा। कैसे इस फॉर्म को हम चेंज करते हैं इस टर्म के लिए जरा देखिएगा, ठीक है, देखिएगा। नाउ बिट्टा, देखिए नाउ बिट्टा जीरो टू इनफिनाइट है, यानी लिख देते हैं बिट्टा फंक्शन का फॉर्म जीरो टू इनफिनाइट और एक्स के पावर एम माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स के पावर में एम प्लस एन इंटू डी एक्स। अब इसका फॉर्म हम चेंज करेंगे तो देखिएगा एक्स का जो फॉर्म है यहां पे देखिए एक्स का जो भी फॉर्म है उस फॉर्म के स्थान पर हम पुट करेंगे क्या वाई अपॉन वन माइनस वाई के पावर में लिखा हुआ है एम माइनस वन डिवाइड, फिर देखिए वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स का फॉर्म मैंने निकाल चुके हैं वन अपॉन वन माइनस वाई के पावर में लिखा हुआ क्या है एम प्लस एन, एम प्लस एन इंटू डी एक्स का फॉर्म लिखा हुआ है क्या देखिएगा वन अपॉन वन माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। अब रिस्पेक्ट का जब इनफिनाइट पुट किया है तो वैल्यू क्या गया वाई वन आ गया है और जब जीरो पुट किया है तो एक्स वाई क्या गया जीरो आ गया है। अब इस फॉर्म को हम टर्म चेंज करेंगे जरा देखिए कैसे, चलिए तो हम इसको पहले सेपरेट प्रोसेस में हम सेट करते हैं उसके बाद ज्यादा बढ़िया हो जाएगा टर्म सेट। देखिएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन और वाई के पावर एम माइनस वन डिवाइड वन माइनस वाई के पावर एम माइनस वन, क्लियर है, फिर इस प्रोसेस को हम सबसे ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा वन माइनस वाई के पावर एम प्लस एन, क्लियर है, और डिवाइड का टर्म में ये रह जाएगा जो सामने दिख रहा है वन माइनस वाई के पावर टू इंटू डी वाई जो सामने दिख रहा है, यानी इसको कंप्लीट टर्म में मैंने सेट कर दिया है, क्लियर। हाँ अब इसका फॉर्म जरा देखिएगा चेंज तो कर दिया है लेकिन इसमें अब जरा देखेंगे कि y के पावर m माइनस वन है उसको एक टर्म में मैंने सेट कर दिया लिमिट जीरो टू वन है m माइनस वन और वन माइनस वाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई सेम पावर का टर्म हम सेट कर देते हैं, क्लियर। देखिए क्या सेट करते हैं थोड़ा ध्यान से जरा देखना है, सबसे पहले वन माइनस वाई एम प्लस एन डिवाइड में है तो ये माइनस में आएगा माइनस एम और माइनस माइनस प्लस और यहां भी माइनस टू आ जाएगा और ये हो गया डी वाई, क्लियर है। इंटीग्रेशन जीरो टू वन वाई के पावर एम माइनस वन और ये फॉर्म को वन माइनस वाई है इसको लिख दिया यहां एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, और यहां एन है और वन माइनस टू यानी माइनस वन इंटू डी वाई, ये जो टर्म है ये वाई के फॉर्म में इसको रिप्लेस कर देना है एक्स के फॉर्म में, क्लियर। देखिएगा रिप्लेसिंग जो वाई का फॉर्म है उसको एक्स के फॉर्म में रिप्लेस कर देना है, ठीक है, जो वाई है उसको एक्स के रिप्लेस में कोई मैटर नहीं, ठीक है, दम चलेगा काम। तो इस फॉर्म के लिए जीरो टू वन एक्स के पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, और इसके पहले बाय डिफिनेशन ऑफ बिट्टा फंक्शन मैंने बता चुके हैं कि इस फॉर्म को डायरेक्ट लिख सकते हैं बिट्टा एम कॉमा एन, क्लियर। तो यही तो प्रूफ करना था, मैंने इससे चल के ये प्रूफ कर दिया सामने दिख रहा है, क्लियर है। चलिए इसको जो टर्म को हम इस पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में हम क्लियर करते हैं ज्यादा बढ़िया होगा, ये रहा परफेक्ट प्रूफ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं इसको मिटाने के बाद। चलिए नेक्स्ट, चलिए नोट कर लीजिए इसको मिटाते हैं। चलिए मैंने ये जो टर्म है इसको प्रूफ किया है सेकंड प्रॉपर्टी को, यानी इस प्रॉपर्टी से मतलब है कि जीरो से इनफिनाइट एक्स के पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स के पावर एम प्लस वन रहे तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बीटा एम कॉमा एन। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा जरा देखिएगा, इस पर एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देते हैं। इंटीग्रेशन जीरो टू इनफिनाइट, क्लियर है। चलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया इस प्रॉपर्टी पर कैसे इसका यूज करना है। देखिए सबसे पहले
ये जीरो टू इनफिनिट है, x के पावर n है, 1 प्लस x के पावर n प्लस 1, कैसे सेट करें जरा देखिएगा, जीरो टू इनफिनिट x के पावर, ये 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, और इसके बाद 1 प्लस x के पावर, ये 15 को लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब जरा देखिएगा इस फॉर्म का कंडीशन, यहां m मेरा है 10 माइनस 1 और m 10 है और n क्या है 5 है, तो इसको हम डायरेक्ट बीटा फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, बीटा 10 कॉमा 5 जो सामने दिख रहा है, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डायरेक्ट मैंने टर्म को सेट किया है कि हम यहाँ पे m का फॉर्म 10 है और n का फॉर्म क्या है 5 है। लेकिन कभी कभी तुम लोग को मन में एक और सवाल आता होगा कि सर ये बीटा जो टर्म है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बीटा 5, 10, तो हाँ ये टर्म लिख सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म बराबर है, बराबर इस टर्म पर है कि मैंने थोड़ा देर पहले मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया क्या कि m कॉमा n बीटा n कॉमा n, यानी ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है, तो हम बीटा 10.5 लिखें या बीटा 5.10 लिखें दोनों के लिए टर्म क्या हुआ सेम होगा। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी नंबर हो गया सेकंड। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें ये भी बताएंगे कि बीटा 10.5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी टर्म बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, चलिए प्रॉपर्टी थर्ड की ओर चलते हैं, लिखा है बीटा एम कॉमा एन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin 2m - 1 थीटा cos 2m - 1 थीटा d थीटा और 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको प्रूफ पहले कैसे करेंगे जरा इसके बारे में देखते हैं। प्रूफ बिनो डाइट क्लियर, चलिए ये फॉर्मूला पता है बीटा m कॉमा n इंटीग्रेशन 0 टू 1 x के पावर - 1 1 - x के पावर - 1 dx क्लियर है। अब इस फॉर्म को हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम टर्म मानते हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, x बराबर मैंने मान लिया क्या साइन स्क्वायर थीटा या तो कॉस स्क्वायर थीटा भी मान सकते हैं क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं dx और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा क्लियर है। अब जब इसका हम रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट भी थीटा के रिस्पेक्ट में करना हुआ, तो x बराबर अगर हम 1 पुट करते हैं, x बराबर 1 पुट किया देन यहां पे 1 अगर पुट किया गया है तो यहां पे साइन थीटा और थीटा का टर्म जो होता है ना वो सेट करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2 के रूप में क्लियर है। लेकिन x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो थीटा का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा यहां पे 0 ही आ जाएगा क्लियर है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्म और थीटा मेरा टर्म आ जाएगा 0। अब इसका जरा हम टर्म को आगे बढ़ाते हैं क्लियर। चलिए तो इसमें हम एक चीज तो पता लग गया, एक चीज ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं या कॉस स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, तो देखिएगा जरा बिट्टा एम कॉमा एन इंटीग्रेशन एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर एम कॉमा एन 1 माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस 1 और dx बराबर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट मेरा 1 था तो 1 का हो गया पाई बाई 2 और 0 था तो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा क्लियर है। अब इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और साइन के पावर ये 2 मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे 2n माइनस 2 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां n माइनस 1 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा क्लियर है। चलिए चलिए तो अब इसको हम टर्म को सेट करते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन और यहां पे साइन थीटा और यहां भी साइन थीटा ये 2 कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया तो बेस से में पावर जब ऐड करेंगे इसका 1 है और जब 1 ऐड हुआ तो 2m माइनस 1 थीटा आ जाएगा और यहां पे कॉस के पावर 2n माइनस 2 और यहां भी कॉस बेस से में जब पावर ऐड होगा तो 2n और माइनस 2 है और प्लस 1 है तो आ जाएगा माइनस 1 थीटा और ये डी थीटा
तो ये टर्म जो सामने दिख रहा है यही तो प्रूफ करना था। तो ये प्रॉपर्टी नंबर मेरा हो गया क्या, ये थर्ड हो गया। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का टर्म हम सेट कर सकते हैं और सभी प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करके मैंने क्लियर किया है जो सामने दिख रहा है। चलिए तो अब प्रॉपर्टी का हम जो है ना कुछ टर्म हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहां तक का समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो जरूर जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में, क्लियर। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मेरा ये हुआ परफेक्ट प्रूफ, इसको जरा नोट कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। चलिए फिर आगे हम जो है तीनों प्रॉपर्टी का जो है टर्म मैंने सामने दिखा दिया है पूरा बेहतरीन तरीका के साथ, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, नोट कर लेंगे नेक्स्ट। मैंने ये तीनों प्रॉपर्टी का जो है सारा प्रूफ मैंने कर दिया है, अब तीनों प्रॉपर्टी का थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेकर हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने ये बताया कि बीटा एम कॉमा एम इक्वल्स टू बीटा एम कॉमा एम, यानी एक कंडीशन क्या है, एक एग्जाम्पल से हम बताना चाह रहे हैं कि बीटा अगर 5.10 दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है, क्लियर है, देन फाइंड फाइंड बीटा 10.5 इक्वल्स टू 1, यानी क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लिया कुछ भी है, मान लिया हम गिवन के रूप में हम मान लेते हैं इसको x, कि x है ये जो भी कुछ है, ठीक है, x के आधार पर हम मान लेते हैं इसको 1/10, क्लियर है, या फिर 1/2, या फिर कुछ भी मान सकते हैं किसी भी फॉर्म के रूप में। तो मैंने x ही रहने दिया है। अब एक चीज जरा सोच लीजिए कि जब हम बीटा 5.10 पता है कि x है और हमको 10.5 निकालना है, तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम जानते हैं कि बीटा m कॉमा n और n कॉमा दोनों बराबर होता है, 5.10 और बीटा 10.5 जब दोनों बराबर होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो टर्म आएगा वो बीटा 10.5 का जो वैल्यू आया क्या आएगा, x ही आएगा, क्योंकि x के बराबर ही टर्म है, क्लियर, इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी फर्स्ट में ये बता जा रहा है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट का स्टेटमेंट है कि जब भी किसी एक फॉर्म का टर्म अगर मालूम रहे, बीटा 2.4 का अगर पता रहे कि इसका वैल्यू 10 है, तो हम इस टर्म को हम निकालना अगर होगा 4.2 तो उसका ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, क्योंकि इसी के बराबर होता है, क्लियर है। तो ये मेरा बीटा एम कॉमा एन और एन कॉमा एन का कंडीशन हुआ। चलिए अब जरा देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी का थोड़ा सा कुछ और भी टर्म, सेकंड टर्म जरा देखेंगे, सेकंड टर्म जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताया उसके लिए जरा देखते हैं एग्जांपल। चलिए देखिए ये होगा सेकंड प्रॉपर्टी का टर्म बीटा एम कॉमा एन इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स के पावर एम माइनस 1/1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस 1। तो इस पर थोड़ा सा जरा हम देखते हैं इस पर एग्जाम्पल जरा क्या होगा। चलिए देखिए अब इस तरह का मैंने क्वेश्चन लिया, अब इसका बीटा फंक्शन के रूप में किस तरह से आंसर होगा इसके बारे में देखना है। तो आसान तरीका है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका हम एक अपना रहे हैं कि इस फॉर्म का टर्म सेट कर रहा है तो x x है, लेकिन m माइनस 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1 के स्थान पर मैंने 4 सेट कर दिया और 1 प्लस x और m प्लस n के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, m प्लस n इक्वल्स टू 7 लिखा जाएगा, m इक्वल्स टू मेरा 1 यानी 5 आ जाएगा। और यहां m का वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम क्या कर रहे हैं कि यहां m का वैल्यू हम 5 अगर पुट कर दे रहे हैं तो n का वैल्यू हमारे सामने दिखेगा मेरा 2 दिखेगा। तो इस फॉर्म को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 to ∞ x के पावर 4/1 प्लस x के पावर 7 इंटू dx, यानी बीटा फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, बीटा मेरा क्या हो गया m कॉमा n, यानी इस तरह से हम अगर मेरा इस तरह का इंटीग्रेशन रहे तो हम डायरेक्ट फॉर्म में इसे सेट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए तो हम ये रहा सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी का यूज, चलिए नोट कर लेंगे नेक्स्ट। चलिए अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, बीटा एम कॉमन इक्वल्स टू 2 इनटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन के पावर 2n-1 थीटा इनटू कॉस के पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, क्लियर, यानी इस तरह का रहेगा तो डायरेक्ट बीटा एम कॉमा एन का टर्म हम सेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो तीनों प्रॉपर्टी जो है सामने दिख गया है, ये प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे जहां अगर यूज होने लायक रहेगा।
तो अब एक चीज तो अनुमान चल गया कि तीनों प्रॉपर्टी में बीटा एम कॉमा एन के बराबर टर्म हम सेट कर सकते हैं, इसको हम फाइनली रिजल्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, फाइनली रिजल्ट के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नोट हो गया, इसको मैं डालते हैं। चलिए फाइनली रिजल्ट के रूप में सभी प्रॉपर्टी को और सभी डिफिनेशन को टर्म को मिला करके एक देखिए हम टर्म बना लेते हैं। जरा ध्यान से, ये बीटा फंक्शन का डिफिनेशन का ये फॉर्म है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x के पावर माइनस 1 * 1 - x के पावर माइनस 1 dx, क्लियर है। फिर इसके बाद और आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन का रूल है कि m कॉमा n या बीटा n कॉमा n दोनों इक्वल होता है। फिर ये प्रॉपर्टी में m कॉमा n जो है लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेकंड प्रॉपर्टी में 0 टू इनफिनिट x के पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर m माइनस 1, क्लियर है। और थर्ड प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं बीटा m कॉमा n 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन के पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस के पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। यदि सभी बीटा m कॉमा n के बराबर है तो हम सभी का टर्म इक्वल टर्म में सेट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि सभी टर्म जो आया बीटा एम कॉमा एन, तो सभी को इक्वल टर्म में सेट कर सकते हैं। देन फाइनली रिजल्ट, बीटा एम कॉमा एन इक्वल्स टू बीटा एन कॉमा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स के पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस 1 डीएक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिट x के पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्म है 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 और साइन के पावर 2m माइनस 1 थीटा और कॉस के पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा, क्लियर। तो ये हो गया बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सारा कंडीशन जो सामने दिख रहा है फाइनली रिजल्ट। अब इसके बाद गामा फंक्शन का रूप हम चलेंगे कि गामा फंक्शन क्या है, लेकिन बीटा फंक्शन का जो है और भी इसका बेहतरीन, लेकिन अभी तत्काल इसको नोट किया जाए। चलिए तो अब जरा अब इसके बाद जो है ना गामा फंक्शन का टर्म बताएंगे नेक्स्ट क्लास में गामा फंक्शन का, फिर उसके बाद गामा और बीटा दोनों का रिलेशन बताएंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट इसका वैल्यू किस तरह से होगा वो भी बताएंगे। चलिए तो आज इतना ही, बाकी अगर विशेष जानकारी और भी प्राप्त करना चाहते हैं तो अगले वीडियो का जो है ना इंतजार करें और नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसका बेहतरीन गामा फंक्शन का लेके आएंगे। चलिए ठीक है, अगर विद्यार्थी अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो जरूर जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अनेक विद्यार्थियों में। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहे और इस चीज को जो है ना अच्छा से ज्ञान प्राप्त करते रहे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नए थ्योरी के साथ।